Hello students, so in this class we will be discussing the third shortcut to find out the angle between hour hand and minute hand at any time. Okay, last two lectures में हमने देखे थे दो shortcuts थे. अब यहाँ पे इस third shortcut में है simply एक formula है, वो use करके आप directly find out कर सकते हो at any time. So the formula is 30 into hour h, h means यहाँ पे अगर time है 5:15 तो h की value is 5 and माइनस 1/2 इंटू एम, एम का वैल्यू है यहाँ पे मिनट, मीनिंग 15 मिनट्स. ओके, सो जो मैंने लास्ट टू लेक्चर्स में जो टाइम्स लिए हैं वही टाइम्स यहाँ पे मैं रिपीट करूँगी. सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दी एंगल बाय थ्री मेथड, है ना. तीनों तीनों आप देख सकते हो क्लासेस में, तीनों लेसन्स में आपको सेम टाइम का वैल्यूज सेम ही मिलेंगे यूजिंग थ्री मेथड्स. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू आपको कौन सा अच्छा लगता है. गो थ्रू ऑल दिस थ्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टाइमिंग इज 5:15. सो ये जो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, तो हमें, मैं शॉर्टली बता देती हूँ आपको कि आर हैंड कंप्लीट्स, आर हैंड और आर हैंड रोटेट्स थ्रू हाफ डिग्री इन वन मिनट. ओके, एंड सिमिलरली मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू 6 degree इन अ वन मिनट. सो डिफरेंस इज 1/11/2. सो 11/2 दिस इज नथिंग बट अ रिलेटिव एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट अ सेम मिनट. ओके, सो हम आगे और देखेंगे एग्जाम. सो द फर्स्ट वन इज 5:15. सो क्या होगा रिक्वायर्ड एंगल, तो यहाँ पे एच की वैल्यू इज 5, 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू 50 विच इज अगेन कमिंग आउट इज 30 इंटू 5 150 माइनस 11 इंटू आप लिख सकते हो यहाँ पे 7.5 विच इज अगेन कमिंग आउट इज 150 माइनस 11 इंटू 7.5 इज 82.5 विच इज अगेन नथिंग बट रिक्वायर्ड एंगल विल बी 67.5 degree. ओके, आई एम गोइंग टू राइट हियर नेक्स्ट टाइम. सो द नेक्स्ट टाइम इज 11:10. सो 11:10 मैंने यहाँ पे वॉच में आपको दिखाया है क्लॉक में. सो यहाँ पे एच का वैल्यू इज 11. सो रिक्वायर्ड एंगल विल बी 30 इंटू 11 माइनस 11/2 इंटू 10. सो ये होगा 330 माइनस ये हो जाएगा 5, 55 विच इज अगेन कमिंग आउट एज 275. तो 275 डिग्री कौन सा होगा, कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये वाला हो सकता है मेजर एंगल. और अगर आपको माइनर निकल है तो दैट विल बी अगेन 360 माइनस 275 विच इज अगेन इक्वल टू 85 degree. आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये सारे आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं यूजिंग दिस ट्रिक. तो यहाँ पे कौन सा ट्रिक यूज किया है, द रिलेटिव डिफरेंस और द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द एंगल रोटेशन ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड विच इज अगेन कमिंग आउट एज 11/2. द थर्ड टाइम इज 4:30. सो 4:30 को अगेन एच की वैल्यू इज 4 एंड मिनट की वैल्यू इज 30. सो आई विल राइट हियर 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 30 विच इज अगेन इक्वल टू 120 माइनस 15 इंटू 11 विच इज अगेन कमिंग आउट एज 165. तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक आपको लग रहा होगा कि स्मॉलर नंबर माइनस बिगर नंबर आ रहा है तो आंसर आपका निगेटिव आ जाएगा. तो यहाँ पे निगेटिव आंसर क्या आ जाएगा, 45 degree. सो इसका मीनिंग क्या है, आपको हमेशा वेदर यहाँ पे निगेटिव आ जाए आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है बिकॉज एंगल हमेशा पॉजिटिव ही होगा. ये व्हाट, व्हाई डज दिस हैपन, ये डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द आर हैंड एंड मिनट हैंड इन द क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट हियर. आपको हमेशा ये वैल्यू मॉड में लेनी है. मॉड में क्या रहता है, कुछ भी वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं दैट टाइप. आपको यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है. सो ये इट डिपेंड्स अपन ओनली ऑन द सिचुएशन ऑफ आर हैंड एंड मिनट हैंड, आगे है पीछे है, कौन से लाइक कौन से हाफ पार्ट में है, तो वो हमें यहाँ पे कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. सो नेक्स्ट टाइम इज 8:23. अगेन दिस वन सो लुक वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, बट अगेन दिस फॉर्मूला से लेट्स सी आंसर क्या आता है. 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 23 विच इज अगेन इक्वल टू 40 माइनस 11 इंटू 11.5 विच इज अगेन कमिंग आउट एज 240 माइनस 126.5 विच इज अगेन इक्वल टू 113.5.
5 degree. So you can check this value is again equal to the one which we have calculated in the previous examples. Now again और एक different एक angle लेती हूँ यहाँ पे मैं. So next time थोड़ा difficulty आया है 210 कि almost यहाँ पे minute hand रहता है 2 पे रहेगा and आर हैंड जो स्लाइटली आगे मूव हो जाता है 2 पे नहीं रहता है. ओके सो यहाँ पे अगेन पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी विल गेट 30 इंटू एच मतलब 30 इंटू 2 माइनस 11 बाई 2 इंटू 10 तो ये आ जाएगा आंसर 60 माइनस 11 1105 55 इज अगेन इक्वल टू 5 डिग्री. सो आ रहे ध्यान में ये सिंपल ये जो छोटा एंगल होता है एट अ टाइम 210 सो बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड रहता है 5 डिग्री. ओके ध्यान में आ रहा है. सो आप ये जो मैंने फिफ्थ वैल्यू लिया है 210 ये मैंने बाकी के पहले जो दो लेसन से उसमें ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट किया है यूजिंग दोज फार्मूला सो यू कैन ट्राई बाय दैट मेथड ऑल्सो. सो ओके थैंक यू बाय बाय.